मुझे दे दे एक हफ्ते के लिए। तो फिर एक महीना मेरी छोड़ रहा, डेढ़ महीना रहा बना कर नहीं हमने। फिर हमने इतने मुश्किलों से खाली कराया ना, वो जा नहीं रहा था। तो फिर ये भी नहीं जा रही थी, उधर बैठी हुई थी पिछले साल। बस थोड़ी सी रह गई। लेकिन आते ये जो औरत है ना, मैं तो नाम ले रही हूँ, आप देखिए जब मैं लाइव बंद करनी है तो मुझे पूरी जमात का फोन आ जाना है। चलो और कोई बात कर लेते हैं। अच्छा चलो और कोई बात कर लेते हैं। अच्छा चलो कोई और बात कर लेते हैं। अद्धा घंटा तुम बगैरतियां करते रहे हो, तो हूँ जो तू फे जाता हो। अच्छा चलो कोई और बात कर लेते हैं। क्यों शाह जी? अच्छा आना है, है? मैं फोन भी पूरी जमात का आ जाना है, पूरी जमात का। मशहूरियां मशहूरियां नहीं काशिप भाई, 2000 रुपये पा के पूरी जमात ने एक फोन कट्ठा लिया, उस तू कॉल आनी है, पूरी जमात का फोन आ जाना। वड़ गए भाई। जी शाह जी जी, ये कहते हैं इनकी। मैंने तो अब जवाब नहीं देना, अब ये चंदा जवाब देंगे। ये हले भी पाकिस्तान बैठी है जी। चंदा साहब आपने एक हफ्ते के लिए घर लिया था, तो आप तो कब्जा कर लिया आपने उस घर पे। किधर गई चंदा? भावे पिछे बोल रहे हो माइक म्यूट है। इन्नी देर चावे अद्धी गल कर भी ली होने। हाँ जी, मैं वो माइक बंद था तो मैं जरा दूर थी। अच्छा मैं सुन रही थी। अच्छा इनकी बात पे आप नोटिस ले रहे हैं, साहब लगाएं। नहीं नोटिस इस बात का है कि तूने एक हफ्ते के लिए मकान लिया था, तुमने कब्जा क्यों किया, तुम अभी तक पाकिस्तान में क्यों बैठी हो, मुझे इस बात का जवाब। वो बता तो सही रही थी ना, क्योंकि ये वाली बात वो सही बता रही है कि ये पाकिस्तान गई हुई थी, तो इसने अपना घर जो है वो कहा था कि एक हफ्ते के लिए खाली करें, हमने रहना जो था अपने घर में। तो वो फिर जो आगे जो एक हफ्ते वाले थे ना, वो इस बीबी के घर चले गए थे। अच्छा हाँ जी, तो वो फिर हमने तो मतलब डेढ़ महीना रह रहे हैं ना हम पाकिस्तान, तो वो फिर अपना दुख बता रही है। वो मेरा दुख नहीं बता रही, वो अपना दुख बता रही है। नहीं उसने, आपने सुना नहीं है उस, काशी भी दोबारा सुनाओ, उसने कहा नहीं है कि वो कब्जा करके बैठ गई है? जी हाँ जी, आप कब्जा कर लेती हैं जी, यहाँ जाती हैं। नल्ला माफी, तो वहाँ मेरा अपना घर है। नहीं नोशी तो समझ नहीं लगी सानू कढ़ाए तो सही ना। शाहजी समझ नहीं लगी चंदा सिस्टर, तुसी अपना मकान बनाना सी ते तुसी उन्हां दे घर च शिफ्ट हो गए, 7 दिन दा कह के तुसी डेढ़ महीना उन्हां दे घर रहे हो, ओ ये कह लो जी। लो जी हलो असी अपने घर ही। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਉਸ ਮਾਈ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ? ਮਾਈ ਦੀ ਸਠਿਆਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਣਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? क्या नोशी दे वेच, नोशी दी मां ने कोई ऐसा तुखम जमया वे जेड़ा उत्थों कढ़ा सके? क्या किसे जमाते अहमदिया दे वेच कोई ऐसा तुखम है वे? ऐ ते औरत बड़ी अच्छी औरत लग रही, पता नहीं आवाज दे दी सुनी सुनी लग दी। ए मुजफ्फर अहमद बट दी बीवी है। अच्छा हाँ। जी काशी भाई तुसी इधर तक लाइव पूरी करो करो, इधर तक की गल बात है? अने जी इधर तक सी की गल बात करनी है, वो असल च अपना रोना रो रहे ने बैठ के उथे। ते उन जेड़ा तुहाडा किराएदार सी ना, जदों तुसी उन्हूं कहा कि घर खाली करो,
और मेरा ख्याल है तुसी पूरा घर नहीं उहदे कोलों खाली कराया होना, एक पोर्शन का क्या होएगा तुसी? उपर वाला पोर्शन, हाँ एक पोर्शन का तुसी क्या होएगा, और तुसी ये भी जरूर क्या होएगा कि मैक्सिमम एक महीने वास्ते चाहिए सानू, कुछ ऐसा ही नहीं सी डेढ़ महीना, डेढ़ महीने वास्ते सानू चाहिए, तो तुसी डेढ़ महीने वास्ते आरजी तौर पर किसी जगह शिफ्ट हो जाओ, तो जो असं जावे फिर तुम दोबारा वापस आ जाना। इंजी गल इसी तरह ही। अच्छा वो जो जिस जो बंदा या बंदी वहां रहती थी उसने, ये जो खातून है वो बट की बीवी जो है इनका भी वहां पर एक घर है, तो उनसे उन्होंने कहा कि हमें 1 वीक के लिए दे दें। हम ये झूठ तो उन्होंने बोला ना कि हमें 1 हफ्ते के लिए दे दें, वो 1 हफ्ते का कह के कहती है 1.5 महीना वहां रह के गए। तो भाई वो उसने उतना ही दिन रहना था ना जितने दिन उसके मालिक मकान ने वहां पर रहना था, और उसके मालिक मकान ने तो उसको सच बताया था कि हमें 1 महीने से 1.5 महीना लग जाएगा। हाँ काशी भाई ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है, यही बात मैं कहना चाह रही थी कि वो औरत अपना दुख बयान कर रही है और ये जो नोशी साहबा है ये अपना ही कोई चक्कर चला रही है। अच्छा वो बेसिकली जो मुझे लग रहा है वो ये, वो खातून जो है वो जो बंदा 1.5 माह आपका किराएदार जो उनके घर में एज ए किराएदार रहा उसका साड़ फूक रही थी और उसमें जो है वो नाम आपका भी ले रही थी और इल्जामात आपके ऊपर भी लग रहे थे, हालांकि बात ये नहीं थी, बात ये थी जो मैंने बयान कर दी कि आपका जो किराएदार था उसको घर चाहिए था, वो इस खातून बट साहब के घर में 1 हफ्ते का कह के गया और 1.5 हफ्ता रुक गया, तो वो उसका मसला है ना, वो चंदा सिस्टर का या शाहजी का मसला तो नहीं है। अच्छा दूसरी बात ये, आपको अगर चंदा सिस्टर के पाकिस्तान वाले घर से कोई प्रॉब्लम है बट साहब की बेगम, अगर आपको चंदा सिस्टर के पाकिस्तान वाले घर से कोई प्रॉब्लम है या उन्होंने किसी शिया से शादी की है या किसी और मकतबा फिक्र से शादी की है, तो वो तो उनका अपना जाती मसला है ना, उसमें आपको साड़ फूकने की क्या ज़रूरत है। अब मिसाल के तौर पर बट साहब की बीवी, मिसाल के तौर पर आपकी बेटी किसी सुन्नी से शादी कर लेती है और वो मुसलमान हो जाती है या किसी सैयद से शादी कर लेती है और वो मुसलमान हो जाती है, तो साड़ फूकने का क्या फ़ायदा, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गई ना। इसी तरह चंदा सिस्टर भी मुसलमान हो गई, बाकी ये कि किस दिन वक्त मिले तो आप लाइव तशरीफ़ लाइए, हम बैठ के आराम से आपसे बात करेंगे, वो जो मिसी मुतरली ओ माजरत के साथ वो जिनको जिसको आप वो समझते हैं ना मिर्ज़ा अगलाम अहमक कादियानी, वो उस उनके बारे में बात कर लेंगे बड़े एहतराम के साथ, आपके एहतराम के साथ कि आप खातून हैं, बात कर लेंगे इंशाल्लाह और बड़े प्यार मोहब्बत से आपको समझा भी दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग वो हैं जिन्होंने अनेवा तकलीद की है, आप लोगों को दुरुस्त इल्म नहीं है मिर्ज़ा अगलाम अहमक कादियानी का, ठीक है ना। तो बाकी ये कि इस तरह के साड़ ना फूकें आप। जहाँ तक रही बात नोशी शेरनी की, वो आपने देख लिया चंदा सिस्टर का रिस्पांस, उन्होंने कहा इनू पता नहीं कौन है एवं खाम हुआ। ये बेसिकली जो मैं नोट कर रहा हूँ ना पिछले काफ़ी दिनों से, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, साइकोलॉजी में ये है मुझे सब पता। अच्छा ठीक है, आपको सब पता है तो आप कॉल पर आ जाए। साइकोलॉजी में ये होता है कि एक बंदा जब अपने आप को लोनली फील करता है, अकेला फील करता है, जब माँ बाप भी उसको हर बात पर डांटते रहते हैं, तो वो बच्चा या वो बच्ची जो है वो फिर अपने घर से बाहर तलाश करती है कि कोई उससे प्यार से बात कर ले, कोई उसकी बात सुन ले, उसके दिल में जो गुबार भरा हुआ है वो सुन ले। नौशी गीदड़नी की आप पिछली 1 महीने या 2 महीने की इसकी वीडियोस देख लें तो आप उसमें देखें कि ये अपने आप को लोनली फील करती है और ये लजनात को अपने साथ बिठा के वो जाना भी चाह रही होती हैं, अपने काम करना चाह रही होती हैं घर के, फिर भी उनको बिठाई रखती है। नहीं वो फिर मैंने ऐसे किया, मैं तो कॉल पे चढ़ गई तो मैंने ऐसे किया, और इनको पता है गुस्सा मुझे बहुत आता है। मतलब ये अजीब साइको किस्म की लड़की है जिसको फौरन एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ कादियानी हजरात अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो अपनी आप लोग निदा नसर को तो नहीं बचा सके। मैं तुम्हें बताऊं कि
जी ए कौन है? ए भी है वे, ए असल दे विच ए अपने आप नू कहंदी है कि मैं लजनात हाँ। ए औरतां नू क्यों बिठांदी है? क्योंकि ए लिस्बियन ने। चलो हम इस बात पर जो है ना वो बात नहीं करते, बात छोड़ दें, हम करेक्टर असेसिनेशन नहीं करते किसी की भी। बहरहाल तो ये है कि ये इसको थोड़ा सा ना साइकोलॉजी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, इसको थोड़ा साइकोलॉजी चेक करवाएं इसकी, किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएं नोशी की दर्दनी को। अच्छा चलो छोड़ो, पूरा नोशी नहीं अब ये चूस मारने के लिए कहा गया, गलत है मैं भी नहीं करन देनी, टेंशन ना ले इधर मेरे सो आ जा जो बोलूंगा तेरी अद्दी गल दे विच, टेंशन ना ले तू। मेरा नोशी छेड़नी को चैलेंज है, ठीक है, ब्राड जोंसी है वो हम एक बंदा मुतबर बना लेते हैं, उसकी ब्राड ऑन करवा लेते हैं। अगर तेरी टांगों में इतना दम है, एक तुम बैठी होगी और एक चंदा बैठी होगी, आपने सामने बात कर लो। जी मेरा सवाल किथे गया? वड्डा मनू करो ते मेरे सवाल दा जवाब दियो, मैं जावा। ओ मैं तुहानू देना जरा यार, इसको किसने बुला लिया? इसने फजूल चुस मारनी है, बात कुछ और हो रही है, इसको पता है नहीं बात क्या हो रही है। मेरे सवाल का जवाब दो, नोशी की शेरनी दी यादा चढ़ चढ़ो। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू, सॉरी यार मुफ्ती जवेद साहब की कॉल आ गई इसमें। वालेकुम असि ये टाइम बड़ा सुकून ना कड़े है जदों तू इत्थे नहीं से। अस्सलाम वालेकुम अमर मिर्ज़ा, की हाल ही ठीक है मेरे भरावा? पानी रोड़ना सी कस में, बात यही कर रहा था कि ये देखें साइकोलॉजी जो है ना उसमें इनको किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाएं। खास तौर पे ये जो बट साहब की बीवी बोल रही थी कि मैं ना इसकी एक मिसाल देता हूँ आपको। सियालकोट से ना एक बस में सफ़र कर रहा था मैं, तो किसी दोस्त को मिलने जा रहा था, एक मलंग सा आदमी बस में बैठा और हाथ पे उसने ना पट्टी बांधी हुई थी। तो अब उसके अल्फाज सुनिए वो क्या कह रहा था, जरा गौर से अल्फाज सुनिएगा। वो कहता है जी कि मैं राज मजदूर दा काम करदा सा, इट मेरे नाल दे नू जी ते मां मेरी टुट गई। दोबारा बोलता हूं, मैं राज मजदूर दा काम करदा सा, इट मेरे नाल दे नू जी ते मां मेरी टुट गई। तो कहने का मतलब ये है कि बट साहब की बीवी इट जेड़ी है ना वो किसे होर नू वजी है, तुहाडे नवे किराएदार नू, ते बांह तुहाडी टुट गई ते साड़ तुसी फूक रहे हो चंदा ते। तो थोड़ा जना साइकेट्रिस्ट किसी के पास जो है वो आपको जाना पड़ेगा। क्या ये आईडी डॉक्टर साहब की है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम काशिफ भाई, आप अपनी डीपी बदल लेते हैं फिर गौर करना पड़ता है कौन बात कर रहा है। ऐसी ही बात है डॉक्टर साहब। हाँ जी, नहीं नहीं आप बात करें, मैं सुन रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम चंदा बहन, ठीक है? हाँ जी ठीक। मेरे ख्याल से हमारे मकसद जो है बहुत ऊंचे होने चाहिए, हमें अपनी जात पे गाली गलौज का नोटिस नहीं लेना चाहिए। मुझे ये जरा मुनासिब चले, ठीक है आपकी इज्जत है एहतराम है, लेकिन छोटी छोटी बातों को बड़े बड़े काफले वाले लोग जेन नशीन नहीं रखते, क्या ख्याल है डॉक्टर साहब आपका? हाँ बात बिल्कुल ठीक है, ये कादियानी जो है ना आपके बारे में भी जो खातीन बात करती हैं बिल्कुल झूठ बोलते हैं, इनके पास हमें नोटिस नहीं लेना चाहिए डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे मकासद जो हैं वो पहले ही बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं इन आपस की बातों में।